हेलो एवरीवन, आज बनाएंगे इंस्टेंट गाजर का हलवा, जिसे हम बहुत ही कम दूध और बिना मावा कुकर में बनाएंगे। वीडियो एंड तक देखें ताकि सारी इन्फॉर्मेशन के साथ आप ये हलवा इंस्टेंट बना सकें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। आप मेरी गाजर की बर्फी की वीडियो भी देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स या एंड में शेयर कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। इंस्टेंट गाजर का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले गाजर को वॉश करके पील कर लेंगे। गाजर का हलवा हम इंस्टेंट बना रहे हैं तो इसे हम पील करके रफली कट करेंगे और इसे घिसेंगे नहीं। घिसने में बहुत सारा टाइम लगता है, इसे हम बिना घिसे इस तरह चॉपर में डालेंगे और रोक रोक कर कोर्सली ग्राइंड करेंगे। अगर आपके पास ग्राइंडर नहीं है तो आप बिना ग्राइंड किए भी कुकर में डाल सकते हैं। बस आपको गाजर के गलने के बाद इसे स्पैचुला की हेल्प से प्रेस करते हुए मैश करना होगा। ये देखिए, इस तरह सारी गाजर को कोर्सली ग्राइंड कर लिया है। आप इसे चाहें तो मिक्सर ग्राइंडर में भी डालकर इसी तरह से ग्राइंड कर सकते हैं। अब एक कुकर गर्म करेंगे और इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून मेल्टेड देसी घी। आप जमा हुआ देसी घी डालें तो 1/2 टेबलस्पून ही डालें। जब घी हल्का सा गर्म हो जाए तो डालेंगे 5 से 6 काजू, 12 से 15 बादाम और 8 से 10 पिस्ता। इन सबको इस तरह कट करके डालें और इन्हें लाइट कलर चेंज होने तक लो फ्लेम पर ही फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट लग जाएंगे इन्हें फ्राई होने में। ये हो गए हैं, इन्हें निकाल लेते हैं। और अब डालेंगे गाजर, 6 से 7 धागे केसर के। ये ऑप्शनल हैं, आप नहीं डालना चाहते तो इसे स्किप कर सकते हैं। और 1/4 कप दूध। दूध हम कम से कम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इसे हम इंस्टेंट बना रहे हैं, और दूसरा रीज़न दूध डालने का ये है कि गाजर नीचे से नहीं लगेगी, वैसे गाजर भी पानी अपना छोड़ती है। अब लगाएंगे लिड और एक विसिल के बाद लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट रखेंगे और गैस बंद कर देंगे। जब प्रेशर अपने आप आउट हो जाए तो इसे ओपन करेंगे। जब तक गाजर पक रही है तब तक इसके लिए इंस्टेंट मावा कैसे बनाना है वो देख लेते हैं। तो 2 कप मिल्क पाउडर लेंगे और इसमें डालेंगे 1/2 कप मेल्टेड देसी घी। मिक्स करेंगे और अब इसे एक साइड में रखते हैं। प्रेशर आउट हो गया है, ये देखिए गाजर ने भी पानी रिलीज़ कर दिया है, लेकिन बहुत कम पानी रिलीज़ किया है, जिसे सुखाना ईजी है। तो गैस ऑन करेंगे और मिक्स करेंगे और डालेंगे 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर और हाई फ्लेम पर पानी के सूखने तक फ्राई कर लेंगे। अगर आप रफली कट करके गाजर डाल रहे हैं तो इस पॉइंट पर आप स्पैचुला से प्रेस करते हुए मैश कर लें। ये देखिए पानी सूख चुका है। अब गैस की फ्लेम लो करेंगे और अब इसमें डालेंगे जो हमने घी और मिल्क पाउडर तैयार किया था। इसे हल्के हाथों से चलाना है, बेसिकली हमें इसे मावे की फॉर्म में ही रखना है। इस तरह हल्का हल्का चलाकर ढक कर लो टू मीडियम फ्लेम पर 7 से 8 मिनट के लिए रखेंगे। 7 से 8 मिनट हो गए हैं। ये प्रोसेस हमने इसलिए किया है ताकि जो हमने मिल्क पाउडर डाला है वो मावे का टेक्सचर दे। हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और डालेंगे 1/2 कप चीनी। आप चाहें तो चीनी इसमें कम भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसी के साथ डालेंगे फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स। थोड़े से हम अभी डालेंगे और थोड़े से हम बचा लेंगे, इसे हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। अब इन्हें मीडियम टू हाई फ्लेम पर मिक्स करते हुए तब तक पकाएंगे जब तक चीनी डालने से जो पानी छूटेगा वो ड्राई ना हो जाए। हलवा अच्छे से ड्राई हो गया है, हलवे में बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज हलवा बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेगा। और जब आप इसे सर्व करेंगे तो साइड्स में पानी आ जाएगा। जब आपको लगे हलवे में पानी बिल्कुल नहीं है तब आप लो टू मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट हलवा और सुखा लें। तो पानी हलवे में बिल्कुल सूख चुका है। अब डालेंगे 1 टेबलस्पून देसी घी, इससे हलवे में शाइनिंग आएगी और टेस्ट भी और इनहेंस होगा। तो बिना तामझाम, बिना एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट किए गाजर का हलवा बनकर तैयार है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप इसे बनाएं और एंजॉय करें।